कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिर जांच की रफ्तार यहाँ इतनी धीमी क्यों है। कुछ लोगों की ये भी मांग है कि इस दौड़ में रैपिड किट टेस्ट का होना चाहिए और रैपिड किट टेस्ट से यह जांच अगर शुरू होती है तो इसकी रफ्तार और बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाएंगे कि किन में पॉजिटिव है और नहीं निगेटिव है। फिलहाल ये जानना ज़रूरी है कि रैपिड किट टेस्ट काम कैसे करता है। तो इस वक्त हम पटना में हैं, डॉक्टर प्रभात रंजन के सेंटर पे हैं और यहाँ इनसे हम ये जानेंगे कि रैपिड किट टेस्ट कैसे काम करता है। क्योंकि आपको हम बता दें कि न्यूज़ 24 में सबसे पहले डॉक्टर प्रभात रंजन ने ये मांग रखी थी कि अगर रैपिड किट टेस्ट से जांच की जाए तो नतीजे ज़्यादा तेज़ी से सामने आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डायग्नोसिस किया जा सकता है। सर, रैपिड किट टेस्ट के बारे में हमने आपसे सबसे पहले 21 तारीख को आपके चैनल के माध्यम से बात किया था, 21 मार्च को। ये बड़ा सिंपल सा टेस्ट होता है और इसके लिए किसी भी मशीन की ज़रूरत नहीं होती है। यदि आप डायरेक्ट ब्लड सैंपल से करते हैं, जिसको कि हम लोग होल ब्लड बोलते हैं, वो फिंगर प्रिक से भी ले सकते हैं आप और वेनिफक्चर से भी ले सकते हैं और ऑन साइट कर सकते हैं, मतलब जहां पे आप करना चाहें वहां पे भी कर सकते हैं। इसका प्रोसेस ये होता है कि मैं आपको, चूँकि कोरोना का किट नहीं है तो मैं टाइफाइड के किट से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि टाइफाइड IgG IgM किट जो होता है उससे डेमो दे रहा हूँ। ये इनका किट आता है ऐसा पैक में, इसको ओपन किया, निकाला और इसमें डायरेक्ट हम EDTA ब्लड ड्रॉपर से भी डाल सकते हैं। इसके लिए मुझे किसी पीपेट की भी ज़रूरत नहीं है। अब आप देखें कि कैसे इसमें डाला जा रहा है। एक ड्रॉप ये बना हुआ है स्पेस, उसमें डालने का ब्लड डाला एक ड्रॉप और अब इसके साथ इसमें, इसके बाद हम इसमें बफर डालेंगे। बफर डालिए, 2 ड्रॉप्स ऑफ बफर डालना है और इसको 10 मिनट के लिए, जो रिकमेंडेशन है रैपिड किट टेस्ट फॉर COVID-19 वो 10 मिनट का टाइम है। 10 मिनट के बाद हम रीडिंग लेते हैं और रीडिंग के बाद इस तरह की 4 रिपोर्ट्स संभावनाएं आती हैं। एक आती है आपकी नेगेटिव की, एक IgM पॉजिटिव की आती है, क्योंकि इसमें भी टाइफाइड में भी IgG IgM देखते हैं, वैसे ही आप COVID-19 में भी IgG IgM देखते हैं। तो नेगेटिव हुआ, IgM पॉजिटिव हुआ, IgM और IgG पॉजिटिव हुआ और ओनली IgG पॉजिटिव हुआ। तो ये 4 तरह के रिजल्ट्स आपको पता चलते हैं, जबकि RT-PCR से सिर्फ आपको पॉजिटिव नेगेटिव पता चलता है। और ये उसका डेमोंस्ट्रेशन है कि कैसे टेस्ट करते हैं और ये छोटा सा प्रोटोकॉल होता है जो कि करना है। दूसरी सबसे बड़ी बात है क्या कि सेफ्टी मेजर्स, आप जब RT-PCR के लिए सैम्पलिंग करते हैं तो आपको बायोसेफ्टी के लिए PPE चाहिए होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि मेरे को सिर्फ एक हेड कवर चाहिए, एक मास्क चाहिए और एक ग्लव्स चाहिए, मेरे स्टाफ को भी चाहिए और कहीं पे भी इसकी हो सकती है। सिंपल में सिंगल आप फिंगर प्रिंट से जैसे ब्लड शुगर करते हैं वहाँ से भी आप ये ड्रॉपर से ब्लड लेके कर सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पे आपने देखा किस तरीके से रैपिड किट टेस्ट काम करता है, क्योंकि RT-PCR टेस्ट जो होता है वो उसकी प्रक्रिया लंबी होती है, खर्च भी ज़्यादा होता है, लेकिन रैपिड किट टेस्ट में ऐसा नहीं है। सिंपल जिस तरीके से हम ब्लड शुगर की जांच करते हैं सिर्फ उसी तरीके से आप इसकी रैपिड किट टेस्ट के टेस्ट की भी जांच होती है और ये काफ़ी जल्दी होता है। डॉक्टर साहब, अब जब बाहर से लोग आएंगे, लॉकडाउन में कुछ रियायतें दी जा रही हैं, लोग बाहर से आएंगे तो विदेश से भी लोग आएंगे, अब किस तरीके का उनका स्क्रीनिंग हो सकता है? ये विदेश मंत्रालय के लिए तो बहुत ही उपयोगी साबित होगा, खासकर वैसे सिचुएशन में जो कि हमारे भारतीय बाहर फंसे हुए हैं विदेशों में और उनको जब वो वापस लाने की कोशिश करेंगे तो उनकी स्क्रीनिंग के लिए वो जस्ट आफ्टर इमाइग्रेशन एक मिनी टेस्टिंग साइट बना सकते हैं, जो कि बहुत ही कम स्पेस में मल्टीपल टेस्टिंग साइट बन सकता है और सारा प्रोसेस वहीं पे 5 से 10 मिनट में सारा टेस्टिंग और स्क्रीनिंग करके 10 मिनट के बाद आप उनको छोड़ते जा सकते हैं। जो IgM पॉजिटिव होंगे उनको आप वहीं आइसोलेट कर सकते हैं, जिनमें IgG है आप उनको जाने दे सकते हैं और जो डाउटफुल हैं क्लिनिकली उनको आप ऑब्जर्वेशन पे रख सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पे जैसे जैसे अब समय बढ़ेगा और बाहर से जो लोग प्रवासी लोग हैं, जो लोग दूसरे देशों में फंसे हुए हैं, वो जब आएंगे तो उस कंडीशन में रैपिड किट टेस्ट की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24।